नमस्कार दोस्तों दोस्तों आशा करता हूँ कि आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इस कोरोना नामक महामारी ने तो सबको तोड़ कर रख दिया है। ऐसे में किसी कार्य में कोई मन नहीं लग रहा है, लेकिन मित्रों, आप घर में बैठे हैं तो आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन सामने है। आप अपनी तैयारी करते रहिए। तो इसी कड़ी में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स के कुछ टिपिकल क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस जो है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आइए देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि एस प्रथम 14 प्राकृतिक संख्याओं का एक समुच्चय है। S प्रथम 14 प्राकृतिक संख्याओं का एक समुच्चय है, और A कामा B आर एलिमेंट ऑफ S। A और B जो है S के अवयव हैं, जहां पर A इज नॉट इक्वल टू B, A और B बराबर नहीं है। और यदि ए बी को यानी A गुणे B को 15 से भाग दिया जाता है तो हर दशा में शेष एक आता है। तो A कामा B के ऐसे कितने जोड़े प्राप्त हो सकते हैं, आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक बार फिर से आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। S प्रथम 14 प्राकृतिक संख्याओं का एक समुच्चय है, यानी S इक्वल टू प्रथम 14 प्राकृतिक संख्या यानी 1 से लेकर 14 तक की संख्याएं 1, 2, 3, 4 एंड डॉट डॉट 14, ये प्रथम 14 प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है। और क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि A कॉमा B आर एलिमेंट ऑफ S, ये A और B दोनों ही S के एलिमेंट हैं, अवयव हैं, यानी A और B का मान इन्हीं में से कुछ होगा। और A और B को जब 15 से भाग दिया जाता है, AB को 15 से भाग दिया जाता है, तो हर दशा में शेष एक बचता है। कहने का मतलब यह है कि AB -1 को 15 से जब भाग दिया जाता है तो पौते या 15 से विभाजित होगा, अगर AB में से एक घटा दे, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि AB जो है वो 15 का मल्टीपल होगा और उससे एक ज्यादा होगा। तो 15 का पहला मल्टीपल 15 एकम 15 और एक क्या हो जाएगा 16, 15 दूना 30 और 1 31 होता है, 15 तिया 45 और 1 46, 15 चौके 60 और 1 61, 15 पच्चीस 75, 1 76, फिर आता है 15 सत्ते 105 और 1 106, 15 अट्ठे 120 में 1 जोड़िए तो हो जाएगा 121, 15 नविया 135 में 1 जोड़ेंगे 136, इस तरह से जो है ये संख्याएं बनती चली जाएंगी। तो अब हमें देखना है कि इसमें से हमें 1 से लेकर 14 तक की भिन्न भिन्न संख्याओं को लेकर के इनमें से कौन कौन सी संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं। तो जैसे पहली संख्या है, आप देख रहे हैं इनमें से कोई दो भिन्न भिन्न संख्याएं लेंगे तो ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16 और 8 दूना 16, एक तो ये हो जाएगा ए बी का मान 2 × 8 या 8 × 2। इनमें से भिन्न भिन्न दो संख्याएं लेके 31 नहीं बनाया जा सकता, 46 भी नहीं बनेगा, 61 भी नहीं बनेगा, 76 भी नहीं बनेगा, 106 भी नहीं बनेगा, ठीक है। अब यहां पर देखना है हमें 15 75 76 और एक संख्या बीच में छूट गई 15 छक्के 90 और 1 91, तो यहां पर हमें 91 रखना है पहले, 91, फिर 15 सत्ते 105 और 1 106, 15 अट्ठे 120 और 1 121, और इस तरह से जितनी भी संख्याएं हैं। तो इसमें से एक संख्या और आप निकल कर आ रही है 91, इसमें से दो संख्याएं ले सकते हैं हम, 7 × 13 और 13 × 7, 13 सत्ते 91, ठीक है। और बाकी जो 15 के मल्टीपल है उसमें एक जोड़ने पर इनमें से जितनी भी संख्याएं बनेंगी, जैसे दो बड़ी संख्याओं को ले लें तो 14 और 13 बनते हैं,
और इनको गुणा कर लें तो 14 3 42, 14 1 14, 14 4 18, 182 और एक जोड़ देंगे इसमें तो 183। तो इनमें से दो भिन्न भिन्न संख्याएं लेकर 183 भी नहीं बनाया जा सकता है, यानी कुल मिलाकर के यही चार जोड़े हमें प्राप्त होंगे। तो आपका आंसर इसका आएगा 4। यानी ए और बी के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं? ए और बी के ऐसे जो है सिर्फ 4 और 4 ही जोड़े बनाए जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यदि m संख्याओं का औसत n की पावर 4 तथा n संख्याओं का औसत m की पावर 4 है तो m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा? फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। यदि m संख्याओं का औसत n की पावर 4 तथा n संख्याओं का औसत m की पावर 4 है तो m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा? तो हमें निकालना है यहाँ पर औसत। आपको पता है कि औसत क्या होता है? औसत है, एवरेज जिसे कहते हैं, औसत बराबर संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या, यानी कितनी संख्या है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि m संख्याओं का औसत n की पावर 4 है। तो m क्या है? m हमको नहीं मालूम है, तो माना m इज इक्वल टू x1 x2 x3 डॉट 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 xm। ये कुल कितनी संख्याएं हैं? m संख्याएं हैं। तो इनका औसत निकालिए, तो औसत ये हो जाएगा, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 x की पावर m अपान m, क्योंकि ये कुल m संख्याएं हैं और ये औसत दिया है n की पावर 4। यानी कहने का मतलब है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट xm इक्वल टू ये आ जाएगा m n की पावर 4। ठीक इसी प्रकार से कह रहे हैं कि n संख्याओं का औसत m की पावर 4 है, तो माना n इज इक्वल टू y1 प्लस y1 कॉमा y2 कॉमा y3 कॉमा डॉट डॉट yn। तो अब जो है इनका औसत कितना हो जाएगा? तो औसत हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डॉट डॉट yn अपान n, क्योंकि ये n संख्याएं हैं, इज इक्वल टू m की पावर 4, या y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डॉट डॉट yn इज इक्वल टू n m की पावर 4 हो गए। ठीक है, अब हमें निकालना है m प्लस n का औसत। तो m प्लस n का औसत ये कितना होगा? तो m का औसत देख रहे हैं, m संख्याएं ये हैं, इनका योग हो जाएगा, इनका योग बराबर 11 है, और n संख्याएं ये हैं और इनका योग बराबर 11 है, यानी ये हो जाएगा m n की पावर 4 प्लस n m की पावर 4 अपान m प्लस n संख्याओं का औसत, यानी m प्लस n हो जाएगा, m संख्या और n संख्या। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर देखिए कॉमन mn मिल रहा है आपको, mn कॉमन है, सॉल्व करेंगे mn तो यहाँ पर आएगा n क्यूब और mn कॉमन हो गया, यहाँ पर हो गया m क्यूब अपान m प्लस n, और आगे सॉल्व करिए mn a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर अपान एम प्लस एन, ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा एम एन एन स्क्वायर माइनस एम एन प्लस एम स्क्वायर, और इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन है
ऑप्शन डी इज राइट, ये ऑप्शन डी में मिलेगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। यदि संख्या n बराबर 90 × 42 × 324 × 55 3 की पावर m से विभाज्य है तो m का अधिकतम मान क्या होगा। फिर से प्रश्न देखिए, यदि संख्या n बराबर 90 × 42 × 324 × 55 3 की पावर m से विभाज्य है तो m का अधिकतम मान क्या होगा। आइए देखिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। n बराबर दिया हुआ है यहां पर n इज इक्वल टू 90 × 42 × 324 × 55। ये कह रहा है कि ये संख्या 3 की पावर m से विभाज्य है, 3 की पावर m से विभाज्य है। तो हमें m का अधिकतम मान निकालना है, तो चलिए देखिए इसको फैक्टर कर लीजिए। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर आप 90 को फैक्टर करेंगे तो आपको मिलेगा 2 × 3 × 3 × 5, 2 × 3 = 18 × 90। फिर आप 42 का फैक्टर कर लीजिए तो 2 × 3 × 7 आ जाएगा। फिर 324 का फैक्टर कर लेंगे तो 324 18 का वर्ग होता है, पहले 18 का फैक्टर कर लीजिए तो 2 × 3 × 3, फिर एक बार 2 × 3 × 3, ये हो जाएगा 324। फिर 55 को कर लीजिए 5 × 11। अब आप देख लीजिए इसमें 3 कितना आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी ये हो जाएगा 3 की पावर 7 इंटू क्या क्या बच रहे हैं, 2 × 5 × 2 × 7 × 2 × 2 × 5 × 11, यानी ये आपका भागफल हो जाएगा। जब 3 की पावर m से डिवाइड करेंगे तो ये भागफल बन जाएगा, तो m का अधिकतम मान कितना हो जाएगा, यानी 3 की पावर m इज इक्वल टू 3 की पावर 7, तो m इज इक्वल टू 7, यानी m का अधिकतम मान 7 है। और इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन b इज राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। यदि x एक अभाज्य संख्या है और −1 < 2x − 7/5 < 1, तो x का मान क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन फिर से आप देख लीजिए, कंडीशन मैं बोर्ड में लिख दे रहा हूं। देखिए कंडीशन आपकी ये है कि −1 > 2x − 7/5 एंड दिस इज < 1, तो आपको जो है x का मान निकालना है, x का मान क्या होगा। तो देखिए यहां पर ये आपके समीकरण के फॉर्म में दिख रहा है, अगर हम सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 से सबको हम गुणा कर दें, पूरे के पूरे इक्वेशन को हम अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा −5 > 2x − 7 = 5, ये मिल गया, ठीक है। फिर हम यहाँ हर टर्म में 7 को ऐड कर दें, ठीक है, माइनस यहाँ पर सब में 7 जोड़ दें, तो −5 + 7 = 2x = 5 + 7, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 = 2x = 12, ठीक है। सबको हम डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, तो 2 से सबको डिवाइड, पूरे को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1 > x = 6, यानी कहने का मतलब यह है कि 1 > x और x > 6, यानी 1 की जो x की जो वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5, 6,
लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि x एक अभाज्य संख्या है, x एक प्राइम नंबर है, तो इसमें कौन कौन सी संख्याएं जो है अभाज्य हैं। एक तो हमारा ये अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है और ये भी अभाज्य संख्या है, यानी ये तीन संख्याएं जो है हमारी अभाज्य है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, एक्स के कितने मान आएंगे, एक्स के तीन मान आएंगे। इसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन बी है, बी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर पांचवा देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इस क्वेश्चन को पढ़िए। एक सात अंकों की संख्या 876 पी 37 क्यू 225 से विभाज्य है, तो पी तथा क्यू के मान क्रमशः होंगे, पी तथा क्यू के मान क्या होंगे ये आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक सात अंकों की संख्या है और वो संख्या है 876 पी और 37 क्यू, ये संख्या 225 से विभाज्य है, 225 से विभाज्य है। तो अगर हम 225 का फैक्टर कर लें, तो 225 का फैक्टर करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा जो है कि इसका फैक्टर आएगा 3 × 3 × 5 × 5। इन सब में से ये संख्या जो है विभाज्य होगी, ठीक है। तो ये 5 से भी जो है विभाज्य होगी, 5 से विभाज्य होगी, इसका मतलब यह है कि लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, क्योंकि 5 से वही संख्याएं विभाज्य होती हैं जिसके अंत में 0 होता है या फिर 5 होता है। तो Q का मान आएगा, Q की वैल्यू आएगी या तो 0 आएगी या फिर 5 आएगी, इनमें से कोई एक आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन यह है कि Q इक्वल टू 0 भी हो सकता है, Q इक्वल टू 5 भी हो सकता है, तो P की वैल्यू क्या आएगी। चलिए हम लोग इसको जो है पता करते हैं कि P की वैल्यू क्या आएगी। देखिए 3 × 9, यानी ये संख्या 9 से भी विभाज्य होगी, और 9 से विभाज्य होने के लिए जरूरी है कि इसके अंकों का जो योग है वो 9 से विभाज्य हो। तो अंकों का योग निकाल लीजिए कितना हो रहा है, 8 + 7 + 6 + P और + 3 + 7 और + Q, यानी कुल मिला के हो 8 + 7 = 15 + 6 = 21 + 3 = 24 + 7 = 31, यानी ये हो जाएगा P + Q + 31। तो 9 से विभाज्य होने के लिए 31 के पास पहली संख्या कौन सी है, 36 है, दूसरी संख्या कौन सी है, 45 है, और फिर आगे क्या है, 54 है। तो यहां पर हमारे पास 31 है, तो P + Q का संभावित योग कितना होगा, 36 में 31 घटाएंगे यानी कि 5 आ सकता है, या फिर P + Q का संभावित योग 45 में 31 अगर घटा लें तो 45 में 31 घटाएंगे 14 आएगा, या फिर P + Q का योग हो सकता है 54 में 31 घटा लें तो यह आ जाएगा 23, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो अब यहां ध्यान देने की जरूरत है कि P + Q बराबर 5 आ रहा है। अगर हम Q की वैल्यू 0 ले लें, Q की वैल्यू यहां पर 0 आ रही है, तो P + 0 = 5, यानी P बराबर आ जाएगा 5। और अगर Q की वैल्यू हम 5 ले लें तो P + 5 = 5, यानी P बराबर आ गया हमारा 0। तो P, Q के क्या मान आपको मिले, P, Q। अगर हमने Q का मान 0 लिया तो P का मान कितना आ रहा है, P का मान आ रहा है हमारा 5 आ रहा है, यानी ये 5, 0 हो गया। फिर अगर हमने P का मान 5 लिया तो Q का मान अगर हमने 5 ले लिया तो P का मान 0 आ रहा है, यानी 0, 5 हो गया, ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिए। फिर अगर यहां 14 में अगर हम आते हैं, अब क्वेश्चन ये है कि हम P का मान क्या लें, P का मान 5 भी आ रहा है, P का मान 0 भी आ रहा है, और P + Q = 14 है, तो P + Q = 14। अगर हम P का मान 5 ले लें तो 5 + Q = 14, तो Q बराबर आ जाएगा 9, और 9 यहां पर हो नहीं सकता, ये संभव नहीं है, ठीक है,
फिर अगर हम p का मान 5 कितना ले लें, यहां पर देखिए p का मान 0 ले लें, p का मान 0 ले लें, तो 0 प्लस q बराबर 14, तो q बराबर 14। दो अंकों की संख्या आ गई, दो अंकों की संख्या यहां q की जगह चाहिए नहीं, ये भी सही नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम p का जो है q का मान हमने यहां पर p का मान 5 लिया, एक बार हमने p का मान यहां पर 0 लिया, यानी p का मान ना तो 5 है और ना ही 0 है। तो चलिए अब q का मान लेके देखते हैं, q का मान 5 ले लेते हैं, तो p प्लस 5 बराबर 14, यानी p बराबर हो जाएगा 14 माइनस 5, तो p बराबर आ गया 9। तो p कामा q बराबर हो गया 9 कामा 5, और इससे यह हमारा विकल्प जो है ऑप्शन जो दिया है वो मिल रहा है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर इसका, और यही आपका सही होगा, p का मान 9 होगा और q का मान 5 आएगा। तो आशा करता हूं मित्रों आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद हो तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।